हाय फ्रेंड्स, पेंटा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंत्र के बारे में जो बहुत ही लाभदायक है और सावन के महीने में आपको जरूर जप करना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वोत्तम माना गया है। ऐसे में यदि आप सावन के इस पवित्र माह में भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, इस मंत्र के जाप से कई शारीरिक लाभ भी मिलते हैं। सनातन धर्म में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना गया है। साथ ही यह महीना इस विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना और मंत्रों को जाप करने के लिए व्यक्ति को सौभाग्य में वृद्धि होती है। 4 जुलाई 2023 से सावन का महीना शुरू हो चुका है, जो अधिक मास के चलते 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। ऐसे में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन में पंचाक्षर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। क्या है पंचाक्षर मंत्र? भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र में सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिव जी ने अपने 5 मुखों से यह मंत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। वेदों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय का जप ही काफी है। यही है पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में मंत्रों का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्रों के जाप से आत्मसंतुष्टि तो मिलती ही है, साथ ही इसे भगवान को प्रसन्न करने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। ऐसे में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना जरूर चाहिए। रोज सुबह सुबह इस मंत्र का जाप करने से धार्मिक लाभ और साथ साथ शारीरिक लाभ भी मिलते हैं। इसके उच्चारण से समस्त इंद्रियां जाग उठती हैं। मंत्र को कैसे जप करें? इस मंत्र का जाप शिव मंदिर या घर में साफ और शांत जगह बैठकर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार हर दिन रुद्राक्ष की माला के साथ किया जाता है, तो इससे मिलने वाला लाभ और भी बढ़ जाता है। जप हमेशा पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किसी भी समय किया जा सकता है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।